हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी बर्ड की जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा गाना गाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। द एम्परर्स नाइटिंगेल। वंस लॉन्ग अगो इन अ फार अवे कंट्री लिव्ड एन एम्परर। हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन इन द वर्ल्ड। दिस गार्डन एंडेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट। In one of the tree of the forest lived a nightingale. It sang so sweetly that everyone stopped still and listened to its song. अब एक बहुत समय पहले की बात थी। एक राजा रहा करता था एक महल में। उसके महल के बाहर एक बहुत बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था, जो गार्डन कहाँ टच हो रहा होता था, एक जंगल के पास उसका एंड था। अब उस जंगल में एक नाइटिंगल रहती थी, बुलबुल रहती थी, जो बहुत ही सुंदर गाना गाती थी, और उसका गाना जो भी सुनता था वो वहीं खड़ा होकर उसके गाने को सुनने लग जाता था। ट्रेवलर्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एडमायर द एम्परर्स पैलेस एंड हिज गार्डन। हाउ एवर वेन दे हर्ड द नाइटिंगेल्स सॉन्ग दे सेड दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल। अब दूर दूर से उस राजा का महल देखने के लिए लोग आते थे, गार्डन देखने के लिए आते थे, लेकिन जब वो लोग उस नाइटिंगेल का गाना सुनते थे तो उन्हें वही सबसे ज्यादा पसंद आता था। सून द एम्परर हर्ड ऑफ द नाइटिंगेल। इज देयर सच अ बर्ड इन माई एम्पायर? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। आई कमांड द बर्ड टू बी ब्रॉट टू माई पैलेस एंड मेड टू सिंग बिफोर मी। अब उस नाइटिंगेल के बारे में राजा ने भी सुना और उसने सोचा कि क्या मेरे राज्य में ऐसी चिड़िया है जो बहुत सुंदर गाती है। तो उसने कमांड दी, अपने सिपाहियों को बोला कि उस चिड़िया को मेरे सामने लाया जाए और मेरे सामने उसे गवाया जाए। बट वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड? नो वन न्यू वेयर इट लिव्ड। बट किसी को नहीं पता था वो नाइटिंगेल कहाँ रहती है और उसे कहाँ हम जाकर ढूंढे। एट लास्ट अ पुअर लिटिल गर्ल इन द रॉयल किचन सेड आई नो वेयर द नाइटिंगेल लिव्स। It lives in the forest. It sings melodiously. When I am tired, I rest under the tree and listen to the nightingale's song. Its singing makes me forget everything. तो एक लड़की थी जो रॉयल किचन में काम करती थी, उसने बताया कि मुझे पता है वो चिड़िया कहाँ रहती है, और जब भी मैं थकी हुई होती हूँ मैं उस चिड़िया का गाना सुनती हूँ। वो बहुत ही सुरीला, बहुत ही मीठा गाती है। So the little girl led the way into the forest. Half the coat went with her. After walking a long distance, the girl stopped near a tree. She pointed at a little grey bird up in the bough. This is nightingale, she said softly. अब वो कुछ सिपाहियों को अपने साथ लेके गई जंगल की तरफ और उसने एक पेड़ पे बैठी एक ग्रे कलर की चिड़िया की तरफ इशारा किया कि ये नाइटिंगेल है जो बहुत अच्छा गाती है। इट कैन बी पॉसिबल, एवरीवन सेड इन डिसअपॉइंटमेंट। हाउ डल इट लुक, लिटिल नाइटिंगेल, सेड द गर्ल। आवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम। अब उस बर्ड को देख के सारे हैरान हुए कि क्या ये वो चिड़िया है, ये तो दिखने में बहुत डल है, क्या ये मीठा गाती है? तो वो जो गर्ल होती है वो लिटिल नाइटिंगेल से बोलती है कि हमारे जो राजा है वो तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। My song sound best in the forest, replied the nightingale. But I will come to the palace because the emperor wants me to. तो nightingale बोलती है कि मेरा गाना जो है वो forest में सबसे अच्छा मैं गाती हूँ, तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूँगी महल की तरफ, क्योंकि ऐसा कौन चाहता है, राजा चाहता है। So the nightingale went to the palace. The emperor looked at the bird and ordered it to sing. The nightingale sang so melodiously that the emperor had tears running down in his cheeks. He ordered that the nightingale remain at the palace. It was kept in a golden cage and given the most delicious food. अब nightingale को महल में ले जाया गया, किसके सामने, राजा के सामने। उससे कहा गया कि चलो गाओ, उसने गाया, और जब राजा ने उसकी आवाज़ सुनी तो उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उनकी आंखों से आंसू आ गए
और उन्होंने कमांड दी कि ये चिड़िया अब से कहाँ रहेगी, मेरे महल में रहेगी। इसके लिए एक सुंदर सा सुनहरा पिंजरा लेके आओ और इसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना लेके आओ। द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द वंडरफुल बर्ड। व्हेन टू पीपल मेट, वन सेड नाइटिंग एंड अदर सेड गेल, दिस बिकेम अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब वो चिड़िया जो थी वो पूरी सिटी में फेमस हो गई। तो आपस में लोग एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते थे, एक कहता था नाइटिंग तो दूसरा कहता था गेल। वन डे द एम्परर रिसीव्ड अ पार्सल मार्क्ड द नाइटिंगेल। व्हेन ही ओपन्ड इट ही वाज अस्टोनिश्ड, इन इट वाज अ गोल्डन नाइटिंगेल। देयर वाज अ गोल्डन की लाइंग बिसाइड इट। द एम्परर वूंड अप द गोल्डन नाइटिंगेल विद द गोल्डन की। इट स्टार्टेड सिंगिंग अ ब्यूटिफुल ट्यून। 30 times it sang the same tune and yet was not tired. The emperor said that the living nightingale ought to be shown this wonder. अब एक दिन क्या हुआ, राजा के महल में एक पार्सल आया, उसमें लिखा हुआ था द नाइटिंगेल। उन्होंने उस पार्सल को खोला तो वो शॉक्ड रह गए क्योंकि उसके अंदर एक सुनहरी नाइटिंगेल थी, सुनहरी बुलबुल थी। उसके साथ एक चाबी भी थी। जैसे ही राजा ने उस नाइटिंगेल को चाबी भरी, वो नाइटिंगेल गाने लगी और वो 30 टाइम्स अ डे गाती थी बिना किसी रुकावट के या बिना थके हुए। तो राजा को लगा कि मुझे इस सुनहरी चिड़िया को, जो लिविंग वाली चिड़िया है जो जंगल से आई हुई है, उससे मिलाना चाहिए। बट वेयर वॉज द लिविंग नाइटिंगेल? नन हैड नोटिस दैट इट हैड फ्लोन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडो बैक टू द फॉरेस्ट। अब जब वो गए लिविंग नाइटिंगेल के पास तो उन्होंने देखा कि पिंजरा खाली था। जो नाइटिंगेल थी वो उड़ के विंडो से बाहर फॉरेस्ट की तरफ चली गई थी। व्हाट डज इट मैटर, वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, सेड एवरीवन। द गोल्डन बर्ड वाज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन अंटिल एवरीवन न्यू इट्स ट्यून बाय हार्ट। अब उन्होंने सोचा चलो जो लिविंग वाली नाइटिंगेल है चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास गोल्डन नाइटिंगेल है जो जब हम चाहेंगे चाबी भर के उससे गाना सुन लेंगे। तो सारे सारे यूज टू हो चुके थे, अब सबके सब उसका गाना डेली सुनते थे। वो इतना उसका गाना सुनते थे कि उसका गाना जो उसकी ट्यून थी वो सबको बाय हार्ट याद हो गई थी। सो अ होल ईयर वेंट बाय। सडनली द एम्परर फेल इल। इन हिज इलनेस ही लॉन्ग टू हियर अ मेलोडियस सॉन्ग म्यूजिक। ही सेड, प्रेशियस गोल्डन बर्ड सिंग, योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन। अब एक साल के बाद राजा जो था वो बीमार पड़ा। अब उसको ठीक होने के लिए अच्छा गाना सुनना था तो उसने उस गोल्डन बर्ड को चाबी भरी और कहा कि मेरे लिए गाना गाओ। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, इट वॉज वॉर्न आउट इनसाइड एंड देयर वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन। अब जो चिड़िया थी वो चुपचाप थी क्योंकि उसके जो अंदर के पुर्जे थे वो इतने घिस चुके थे गागा के कि अब वो दोबारा नहीं गा सकती थी। द एम्परर लॉन्ग्ड फॉर म्यूजिक बट द बर्ड कुड नॉट सिंग। देन फ्रॉम द विंडोज सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हर्ड। इट वॉज द लिटिल लाइव नाइटिंगेल दैट सैट आउटसाइड ऑन अ ट्री। इट हैड हर्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस एंड हैड कम टू सिंग टू हिम। इट सैंग द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग एज इट सैंग द एम्परर फेल्ट बेटर। अब जो गोल्डन चिड़िया थी, जो चाबी वाली चिड़िया थी, वो घिस चुकी थी तो वो नहीं गा सकती थी। अब वो किंग जो था वो सैड हुआ लेकिन उसे विंडो से दोबारा से एक चिड़िया के गाने की आवाज़ आई। ये चिड़िया कौन थी? ये चिड़िया वही नाइटिंगेल थी जो उसका पैलेस छोड़कर जा चुकी थी। उसने राजा की बीमारी के बारे में सुना तो वो राजा से मिलने वापस आ गई और उसका गाना सुनकर राजा जो था खुश हो गया और अच्छा फील करने लगा। थैंक्स सेड द एम्परर, यू मस्ट ऑलवेज स्टे विद मी। नॉट सो रिप्लाइड द नाइटिंगेल, आई कैन नॉट लिव इन अ पैलेस। आई विल कम एंड सिट ऑन द ट्री बाय द विंडो एवरी इवनिंग एंड सिंग फॉर यू, बट यू मस्ट प्रोमिस मी वन थिंग। एनीथिंग सेड द एम्परर, लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन अ केज। द एम्परर स्माइल्ड एंड सेड, एज यू विश माय नाइटिंगेल। द नाइटिंगेल फ्लू अवे हैप्पीली ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे। राजा ने बर्ड को थैंक यू कहा और कहा कि तुम मेरे साथ ही मेरे महल में रहो। तो उस बर्ड ने मना किया कि मैं तुम्हारे साथ पैलेस में नहीं रह सकती, मेरा घर कहाँ है? फॉरेस्ट में है।
लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं डेली इवनिंग में आऊँगी और तुम्हारे लिए यहाँ पे गाना गाऊँगी, बट उसके लिए तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा बताओ मैं क्या प्रॉमिस करूँ। तो बर्ड ने कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद किसी भी बर्ड को पिंजरे में कैद करके नहीं रखोगे। तो राजा ने उसे खुशी से प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं अब से किसी भी बर्ड को कैद में करके नहीं रखूँगा। इसी तरह से बच्चों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें किसी भी बर्ड को केज में, पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।